तो आज का ड्राइंग है कालिया दमन पर्व। तो इस बारे में मेरा एक सवाल था कि श्री कृष्णा जी ने आखिर कालिया नाग के ऊपर डांस क्यों किया था। और इसी सवाल का जब मैं जवाब ढूंढने लगा तो मुझे अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल पॉइंट मिला। तो चलिए उसी बारे में आज बात करेंगे। ड्राइंग देखते देखते ही बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम भागवत पुराण से। इसके अकॉर्डिंग ही हम पहले असली कहानी जानेंगे, फिर उससे हम क्या सीख मिलता है वो हम देखेंगे। तो कहानी ये है कि यमुना नदी के किनारे एक पहले जो गांव बसते थे और वहाँ पे ही श्री कृष्णा रहते थे। तब एक दिन वहाँ पे काली आया। कालिया एक बहुत सर वाला एक सांप था, और जिसका जहर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस वहाँ का पूरा पानी ही जहरीला हो गया। तो उसके वजह से आसपास के सारे जानवर, पंछी, या तक कि पेड़ पौधे भी मरने लगे। तो और ऐसे में कोई भी पानी पीने तो जा नहीं सकता और पानी इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो सभी बहुत चिंतित हो गए थे। तब वहाँ पे श्री कृष्णा जी अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे थे एक गेंद लेके। गेंद जब जाके नदी में गिरा, सब ने मना किया, लेकिन श्री कृष्णा जी हंसते हंसते उस नदी में उतर गए और सामने सामने देखा कि कालिया नाग तैयार बैठा है। तो बड़े ही मुस्कान के साथ उन्होंने उसको इशारा किया। कालिया भी डसने के लिए आ गया। फिर पहले ज़ोर ज़बरदस्ती तो हुई, लेकिन फिर उस कालिया को शांत करने के बाद श्री कृष्ण उन कालिया के सर के ऊपर उठे और वहाँ पे डांस किया। अब उनको डांस करके उनको नाचते हुए देख बाकी के सभी गांववासी बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगे कि आखिर वो डांस क्यों कर रहे हैं। लेकिन डांस देख के सबके दिल में बहुत ज़्यादा आनंद आया। और फिर एक वार्तालाप हुआ कृष्णा और कालिया के बीच में। तो कृष्णा ने जब पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो, तो कालिया ने बोला मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे एक गरुड़ है और उस गरुड़ के वजह से मैं वहाँ पे अब रह नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ पे जो आया हूँ, अगर मैं ज़्यादा जहरीला हूँ तो ये क्या मेरी गलती है। तो कृष्णा जी ने बोला तुम जहरीले हो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गलत जगह आ गए हो ये तुम्हारी गलती है। और जब उनका नाच ख़त्म होने गया, तब कालिया के एक सर पे वो अपने एक पैर का छाप दे दिए ताकि विष्णु के पैर का छाप देख के गरुड़ खुद समझ जाए कि ये कौन है और कालिया को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। तो ये है कहानी। अब इस देख देखते हैं इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर कहूँ तो इस कहानी में मैं आप और हम जैसे लोग कहाँ पे फिट बैठते हैं। हम लोग उस गांव वालों में से हैं। जब सिचुएशन ख़राब आता है हर किसी के ज़िंदगी में, तो हम चिंतित तो बहुत होते हैं, टेंशन तो दिमाग ख़राब कर देता है। लेकिन जब हम आसपास देखते हैं कि कोई उस टेंशन को कैसे मस्त हंसते खेलते हुए हैंडल कर रहा है, तो हमें भी लगता है कि अगर मैं जो टेंशन ले रहा हूँ क्या ये सच में उतना बड़ा है। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ना मुश्किल लगे तो वैसा मत कीजिए कि बस छोड़ दीजिए या फिर बस वैसा ही कुछ। हार मत मानिए। देखिए, हो सकता है कि जिस खतरे को आप इतना बड़ा समझ रहे हो वो असल में उतना बड़ा है नहीं, बस आप उससे डर रहे हो या फिर आपका डर उसे उस डर, उसको ज़्यादा बड़ा कर रहा है। तो वैसे ही जैसे उन्होंने श्री कृष्णा जी ने डांस किया और उन्हीं की वजह से हर किसी के दिल में से वो डर निकल गया, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हमें भी सामने जो खतरा दिख रहा है उसको पहले जांचना परखना चाहिए, फिर हंसते खेलते हुए उस डर का मुकाबला या फिर सामना करके उस डर पे विजय पाना चाहिए। यही था इस कहानी का असली मतलब। क्योंकि
चाहते थे तो श्री कृष्णा एक बार में ही हरा सकते थे, लेकिन नहीं, कालिया को हराना उनका असली मकसद नहीं था। उनका असली मकसद था वाक्यों के दिल में से डर को निकालना। तो उम्मीद है ये कहानी सुन के आपको अच्छा लगा होगा, आप भी आपके अपने ज़िंदगी को एक नया मोड़ देंगे। और ड्राइंग अगर अच्छी लग रहा हो, अगर आप भी अभी तक देख रहे हो, तो फिर प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए। और हाँ, ऐसे ही और भी स्टोरीज़, ऐसे भी और भी ड्राइंग्स और ट्यूटोरियल्स और बाकी चीज़ों के लिए जानने के लिए वो जो नीचे सब्सक्राइबर बटन है, उस सब्सक्राइबर बटन को बड़े ही प्यार से दबा दीजिए और उसे लाल से, मतलब उस प्यारे लाल से थोड़ा पीला बना दीजिए। और हाँ, ऐसे ही और कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे स्टोरीज़ के साथ। उम्मीद है ये स्टोरीज आपको सच में अच्छा लगा है। अगर इस वीडियो में प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल गया तो मैं ऐसे ही और ड्राइंग्स बनाऊंगा। थैंक यू अगेन। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लेट में आया क्योंकि मैं बीच में बहुत बीमार था और एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो देरी के लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और अगर सच में ड्राइंग अच्छा लगा ही है तो फिर एक बार कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिख के ही जाइएगा। श्री भगवान कृष्णा के सत्मार्ग आपके साथ हमेशा रहे।